हम उज्जैन के एमपी के हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नरेंद्र भाटोर। नरेंद्र ठाकुर राजपूत ठाकुर। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ खरीदारी करने आते? हाँ, हम एमपी से आते हैं, हर हफ्ते आते हैं सर, और ले जाते हैं। हम व्यापार करते हैं और जनता हमारे को सूद सहने वाले परेशान करती है। क्या करते हैं ये? पकड़ लेते हैं, ये कहते हैं ये कसाई का माल ले जाते हो, काटने वाले हो, और हम है नहीं, हम हिंदू धर्म है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारा व्यापार है, आज से क्या, हमारा बाप दादा भी व्यापार करते करते हो गए, हमारे को इतने साल हो गए ना आते आते, हमारे पिताजी के पिताजी आ गए यहाँ पे। जब सस्ता टाइम था, जब आते थे हमारे पिताजी, जब ना भैंस मिलती थी 500-600 की, जब से आ रहे हैं कोई आज नए नहीं आ रहे हैं। और ये कहना है मतलब ये जनता हमारे को क्यों परेशान कर रही है, काय के लिए कर रही है? कोई हम कसाई का माल नहीं ले जा रहे हैं, पलतू ले जा रहे हैं, दूध वाली ले जा रहे हैं, 50-50 हज़ार की गैया ले जा रहे हैं हम, और दूध देती है 7-7 लीटर 8-8 लीटर 10-10-20 लीटर टाइम का दूध देती है, 10 लीटर सुबह 10 लीटर शाम। तो अभी शुरू हुई दिक्कत पहले से थी? ये दिक्कत अभी से चालू हुई है, पहले से नहीं थी, ये अभी 2-4 हफ्ते से चालू हुई है सर। नहीं तो अब कोई तकलीफ नहीं थी, हम ले जाते थे करते, एमपी के कम से कम 20 गाड़ी आती थी उज्जैन की, अभी 2 गाड़ी वाले आए हैं बस। 20 गाड़ी आती थी, 18 गाड़ी नहीं आई है, माल भी नहीं आ रहा है, चमक भी रहे हैं सब, जनता भी ये हो रहा वो हो रहा, किसी को मार डाला, क्या कर दिया, तो इसके लिए। और हम भी हिम्मत से आए, हम भी भगवान के भरोसे आए हैं यहाँ पे लेने। तो 2-4 हफ्तों से ही शुरू हुआ है? हाँ, 2-3 हफ्ते से शुरू हुआ है। पहले कुछ तकलीफ नहीं थी हमारे को, और 1 साल पहले भी हमारे को देवली में पकड़ लिया था ये सूस लेने वालों ने, तो हमारे 1-2 महीने में गाड़ी छुटी थी, और केस भी चल रही है, और मर भी गई थी हमारी गौशाला में, और हमने गौशाला वाले ने खुद ने दूध काट के देखा, दुखाइए दुआ जानवर है तुम्हारे, दूध देते हैं 7-8 लीटर, हमने दूध काट के बताया, फिर भी हमारा केस चल रहा है अभी भी कोटा में। ये रोक लेते हैं, क्या करते हैं फिर? ये रोक लेते हैं, ये बेच देते हैं, या किसी को क्या दे देते हैं जानवरों को, और मारते हैं अलग ही है, और आ जाते हैं जो सब आ जाते ही, और अकेली जान क्या करे आदमी इतने जने के सामने। हाँ, और ये ना पुलिस वालों को बचा आते हैं तो उनको भी मारने भिड़ जाते हैं सब जने, सूस सहने वाले उन्हों। हाँ, हमारी गाड़ी पकड़ी थी अगले साल, तो सूस सहने वालों ने पुलिस वालों को भी मारा डंडे डंडा, और उनने बचाया, अगर वो नहीं होते तो हमें भी मार डालते वो। ये आप जानवर देख लो, हमारे कट्टू माल हो तो हमें नहीं मार डालो, 50-50 हज़ार के लिए हमने पर्ची बनवाते हैं, एंट्री करवाते हैं, हम कम से कम नगर निगम में से पर्ची बनवाते हैं ना पे। माल देखो इसका तो मारो, मारने ताजे बच्चे वाली है। हाँ, कट्टा माल हो तो हमारे को मार डालो, हम खुद कह रहे नहीं मार डालो, हमारे को कट्टू माल ले जा रहे हो तो माल चेक करो, उसके बाद आप हमारे को बोलो कुछ भी हो तो। ये क्या करते हैं ना, कुछ भी नहीं, और गाय की गाड़ी जा रही पकड़ लेते हैं, देने से काम लगते हैं, ये देखने का बाद में काम करते हैं वो लोग, गाड़ी जला देते हैं, वो कर देते हैं, पहले पूछो तासो, फिर उसके बाद जो भी हो तो हम भी खुद कहना मंजूर है हमारे को। लूटपाट तो नहीं करी है, लूटपाट तो नहीं करते सर, ये बस ये सूद सहने वाले पकड़ते हैं। हमारी अभी एक केस चल रही है देवली में, वो कब हुआ था देवली? ये अगले साल ही हुआ था, गर्मी के समय पे इसी अप्रैल में हुआ था, अगले साल हमारे को पकड़ा देवली में कोटा में, को गुफा के अंदर पकड़ लिया था, बहुत मारा था हमें, वो तो पुलिस की गाड़ी नहीं आई तो हमारे को जान से मार डालते वो। अभी पीछे अभी 2-3 हफ्तों के अभी से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, अभी ज्यादा हो रही है, अभी माल ले जाने में लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। आपने कहा कि अभी झगड़ा तो पिछले हफ्ते हुआ, तो 2-3 हफ्तों से क्यों हो रही है अभी? तो ये हमें देखो, हम अगले हफ्ते आए नहीं थे चमक के हमारे, तो हमारे अगले हफ्ते भी मालूम पड़ा था, अगले हफ्ते नहीं आए तो इस हफ्ते हम आए हैं, एक हफ्ता छोड़ के आए हम, तो अभी मालूम पड़ी है हमारे को भी। हर हफ्ते चल रही है वैसा भी है, आज के दिन मारा, हम आए नहीं थे पहले से, 2-3 हफ्तों पहले से चल रहा है काम, हम रोकते हैं मारते हैं। अच्छा, आप गाय खुद मतलब वहाँ पर जाके बेचते हैं या आप खुद ही पालने के लिए, या वहाँ पर आप कैसे? हमारे गाने मेरी बात सुनने से वहाँ पे गाय बेचने का, वहाँ पे बिजनेस नहीं है, हमारी बात सुनना सर, हम क्या दूध माल ले जाते हैं, और हमारा क्या है दूध डेयरी फार्म है, बात सुनना सर, और डेयरी फार्म है तो यानी वो महाकाल बाबा की मूर्ति है, वहाँ दूध चढ़ता 5 लोटा, ठीक है? अच्छा, माँ पे महाकाल पे, तो वो दूध हमारा हम बेचते हैं, हमारा दूध हमारा क्या इनकम हो जाए, धंधे के लिए ले जा रहे हैं ना? हाँ, नहीं कुछ लोग तो यहाँ से खरीद के अपने गांव में ही बेचते हैं, वो वाला नहीं वो काम नहीं करते सर, आप जो भी खरीदते हैं अपने पार्सल। हाँ, हमारे 6 जने हैं, 2-2 गाय लेने आते हैं,
ये हमारे को मालूम नहीं सर, कटने वाले की हमारी जानकारी, हम तो हमारे एमपी वाले आते हैं, हमारे हम पलतू माल लेते हैं, हम हमारे चले जाते हैं।